किसान आज दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं। पुलिस ने तमाम तैयारियां कर ली हैं उन्हें रोकने के लिए कि दिल्ली में उन्हें किसी भी तरह से प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और यहां पर भी आप देखिए कि कैसे पुलिस ने तमाम इंतजाम कर रखे हैं। इस तरह से पहले जर्सी बैरिकेडिंग लगाई गई, उसके ऊपर से सीमेंटेड मिक्सर डाला गया और अब यहां पर कटीले तार भी लगा दिए गए हैं। इसके उस तरफ देखिए तो कई गाड़ियां पुलिस ने खड़ी कर दी हैं ताकि किसान अगर इस कटीले तार को, इस बैरिकेडिंग को पार कर भी लें तो उन गाड़ियों के जरिए उनको रोका जा सके। ये पुलिस की गाड़ियां हैं, उसके आगे मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ट्रक खड़े किए गए हैं, मतलब मल्टी लेयर सिक्योरिटी बनाई गई है ताकि किसान यहां से किसी भी तरीके से पार ना करने पाए। गाजीपुर बॉर्डर ये वही बॉर्डर है जब पिछली बार 2020 में फार्मर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो राकेश टिकैत इसी जगह पर पहुंचे थे, यहीं पर उनको रोका गया था और फिर यहीं पर फ्लाईओवर के नीचे उन्होंने अपना डेरा डाल लिया था और उसके बाद कुछ दिनों बाद फ्लाईओवर के ऊपर भी कब्जा हो गया था। हालांकि राकेश टिकैत अभी नहीं आ रहे हैं लेकिन पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी चाक चौबंद कर रखी है। इस जर्सी बॉर्डर के उस तरफ आप दिल्ली पुलिस को देख पा रहे हैं, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस को देख पा रहे हैं और इसके इस तरफ आप देखिए गाजियाबाद पुलिस तैनात है जो कि यूपी पुलिस की है, मतलब दिल्ली के साथ साथ यूपी पुलिस भी फिलहाल अलर्ट मोड पर दिखाई पड़ रही है। कोशिश लगातार यही की जा रही है कि किसी भी तरीके से किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं देना है और कोशिश इस बात की भी कि इस बार का किसान प्रोटेस्ट 2020 के प्रोटेस्ट की तरह बहुत बड़ा रूप ना लेने पाए।